नीलम वैली हम पहुंच गए हैं। अभी हम नीलम वैली के एक पॉइंट पे जा रहे हैं, शारदा यूनिवर्सिटी। तो आए आपको उस जगह का विज़िट करवाते हैं, तो चलें हमारे साथ। चलें, आप देख रहे हैं कि कितना मुश्किल रास्ता है। ये सीढ़ियाँ देखें आप, मेरा भी सांस फूला हुआ है। तो इनको भी पूछते हैं इनका क्या हाल हुआ अभी। बड़ा ही बुरा हाल है, देख सकते हैं आप। जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी। तो हमारे दोस्त ही आगे बैठे हुए हैं सारे। अभी इनकी हालत थोड़ी सी पतली है, लेकिन इनसे मैं पूछता हूँ कि इनका क्या हाल हुआ। तो हमारे साथ ही रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जी फरहान भाई। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्र अल्लाह का। तो कैसे पहुँचे हैं इधर? बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, जो कि एक बहुत हाइट पे है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये है कि ये एक तरीही मुकाम है, जिसे देख कर बड़ा अच्छा लग रहा है। ये शारदा यूनिवर्सिटी। चाहे दूसरे दोस्तों के पूछ रहे हैं। जी अली भाई। जी भट्ट साहब, क्या हाल है? जी भट्ट साहब, मैं ये कहूँगा कि ये जो जगह है ना, ये बहुत ही कमाल की जगह है, और यहाँ पे आना चाहिए जब भी आए। ये देखने वाली जगह है और इसका एक मुकाम है बहुत ज़्यादा। आप ये खूबसूरती देख रहे हैं और हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं कि यहाँ का नज़ारे कितने प्यारे हैं। ज़िंदगी का मज़ा ही एडवेंचर में है। जी भट्ट साहब, कैसे हैं आप? देखें, अब हम पहुंच गए हैं। रास्ता बड़ा थोड़ा था, लेकिन हाइट पे था, जिस वजह से सभी का सांस फूला हुआ है। तो आप भट्ट साहब इनको व्यू दिखाएं यूनिवर्सिटी का, जो कि शारदा में मेन पॉइंट है। अगर कोई आकर इसको ना देखे तो आने का फ़ायदा कोई नहीं। तो ये मेरे ख्याल में शायद 4 से 5 हज़ार साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो कि देखनी चाहिए, हिस्टोरिकल प्लेस है लोगों के लिए। तो शारदा आकर इसको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जी दोस्तों, हमारे साथ एक छोटा बच्चा है, उससे भी पूछते हैं कि उसे कितना मज़ा आ रहा है इधर आके ना। वो बड़ा कह रहा था कि मैंने नीलम वैली जाना है। जी बेटा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो किधर आए हैं आप? मैं इस वक्त शारदा यूनिवर्सिटी पे हूँ। अच्छा, ये कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है, हिस्ट्री प्लेस है, और इधर आना चाहिए। जी ये देखें कैसे पहाड़ों के दरमियान ये यूनिवर्सिटी है, एक अजीब ही मंजर पेश करती है। कि अगर सोचा जाए कि उस दौर में किस फन तमीर की काबिल बिल्डिंग है, इसको कैसे तमीर करवाया गया था। आइए अब हम इसका विज़िट करते हैं अंदर से, और चलते हैं अब हम व्हाट्सअप के साथ और यूनिवर्सिटी को अंदर से देखते हैं, जो कि सिर्फ एक किला नुमा, एक छोटा सा एक कमरा टाइप इसकी बाकियात रह गई हैं। लेकिन उस दौर में इस हाइट पर इतने बड़े पत्थरों के साथ ये काम करना, तकरीबन 4 से 5 हज़ार साल पहले, कि जबकि लोगों को कुछ पता ही नहीं था, तो उस वजह से इसे फिर करवाया गया। और ये एक बहुत ही अच्छी जगह, जो भी लोग इस मुकाम पर आए और इसको ज़रूर विज़िट करवाएं। ये इसका मेन डोर है, जो इसकी एंट्रेंस है। सिर्फ इसका ये यही बिल्डिंग रह गई है, जो एक कमरे नुमा स्तूनों पर मुश्तमिल है, जो कि हुकूमत को इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सकाफत है और इनका ख्याल रखना चाहिए। ये इसका मेन व्यू है, ये इसका बाहर का मंजर है, और ये सब हम दोस्त नीचे बैठे हुए हैं। अभी तक इन सब का सांस बहाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही है। हालांकि रास्ता छोटा है, लेकिन ये बहुत हाइट पड़ा और लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं। इधर के रहायशियों को तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि उनका डेली आना जाना इस साइड पर है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। जी आप चारों तरफ से बिल्डिंग को देख सकते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों के साथ बनाई गई है। और एक छोटा सा मुकाम है, लेकिन ये तरीही मुकाम है, जो कि 5 हज़ार साल पहले सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद थी। तो आप देख सकते हैं इसको चारों साइडों पे, ये कुछ विज़िट के लिए इन्होंने साइन बोर्ड लगाए हैं, जिसको आप विज़िट कर सकते हैं, इसकी तारीख को पढ़ सकते हैं। और इसकी आप दीवारों में देख सकते हैं कि छोटे छोटे ये, जिस तरह अब हम इनको मोर्चा टाइप कहते हैं, पता नहीं इस दौर में किस काम के लिए आते थे, लेकिन ये बनाए गए हैं। जो इधर पढ़ते रहे हैं ना, वो हमारे साथ हैं आज, तो उनसे पूछते हैं वो किस तरह पढ़ते रहे हैं इधर। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है भाई, फिर से हमारा जन्म हुआ है, तो हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम फोटोज बना रहे हैं और ये हमारे पास आ गए, हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमारे से पूछने के लिए। तो ये अपनी फोटो तो बना नहीं रहे, हमें भी बनाने नहीं दे रहे। यार इधर आके मजा तो काफी आ रहा है वैसे, तो अभी तक नाश्ता नहीं किया, कुछ खाया नहीं,
इसकी वजह से मुश्किल भी हो रही है। नहीं तेनू इतने खरौड़े देने, नहीं तो इन नाश्ता नहीं देते। खरौड़े ही खाने चाहिए, फजे के खरौड़े मिल जाते और मजा आई है। ये फजे के खरौड़े इतने लभ रहे ने, वो बड़ा मजा आने वाला है। हमारे दोस्त जो पीछे रह गए वो आ रहे हैं, इनका हाल देखते हैं कैसी हालत है इनकी, तो इनसे पूछते भी हैं, इनसे बोला नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। जी व्यूअर्स क्या हाल है, ठीक ठाक हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जब ये यूनिवर्सिटी बनी होगी तब क्या हाल होगा, मेरा अब ये हाल हो गया, तब क्या हाल होगा। ए जवान, क्या लेने आए हो इधर, इसे इजाजत ली है आपने, बताए आईडी कार्ड चेक कराओ अपने सारे। सर गलती हो गई, आईडी कार्ड चेक कराएं जल्दी। सर गलती हो गई, माफी दे दे। चलो जी ठीक है, माफ कीजिए। आप देख रहे हैं कि सारे दोस्त पीछे लगे हैं फोटोग्राफी करने के लिए, तो उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को दोस्तों अभी हमने इधर फ़ोटोशूट किया है, बड़ा अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छी प्लेस है, आप आएँ ज़रूर विज़िट करें, आपको मज़ा आएगा। शारदा यूनिवर्सिटी देखें, लोग काफ़ी लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो बड़ा मज़ा हमने किया है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं, तो आपको वो भी विज़िट करवाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। जी ज़रूर, लाइक और शेयर का बटन दबाने से पहले आपने अच्छे से सोचना है, ना भी सोचेंगे फिर भी लाइक कर देना आपने। ठीक, थैंक यू, शुक्रिया।